हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमित तिवारी, योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी सॉ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ पाइथन एंड टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पाइथन ओवर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट एडवांटेज इज दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वेरी इजी टू यूज। This programming language is programmer friendly। ये जो programming language है ये बहुत easy है सीखने के लिए। कोई भी नया programmer जो कि इस programming language को सीखना चाहता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा friendly language है। कभी भी हम कोई नई चीज सीखने जाते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि ये चीज कितनी easy है, कितनी जल्दी हम इसे सीख सकते हैं। तो इसका जवाब जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देता है। जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है। जैसे इंग्लिश के सेंटेंसेस हम यूज करते हैं पैराग्राफ्स में, कुछ काफी कुछ उसी से मिलता जुलता सिंटैक्स हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लिखते हैं। एग्जैक्टली तो वो सेंटेंसेस की तरह नहीं होता है लेकिन काफी हद तक उनसे मिलता जुलता है। इसमें नंबर ऑफ कोड्स भी बहुत कम होते हैं किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए। जो हम डिफरेंट लाइंस लिखते हैं वो भी हमें बहुत कम लिखना पड़ता है। और जो सिंटेक्स होता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो बहुत इजी होता है और बहुत कम सिंटेक्सेस हमें यूज करने पड़ते हैं। फ्यूअर कोड्स मीन्स कि किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिखने के लिए नंबर ऑफ कोड्स की हमें जो जरूरत पड़ती है वो बहुत कम होती है। इसका इसको जो है हम समझ सकते हैं कि एग्जांपल की मदद से। यहां पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है दो नंबर्स को स्वैप करने के लिए। स्वैप करने का मतलब क्या कि दो नंबर्स हैं, एक नंबर को पहले नंबर की जगह, पहले नंबर को दूसरे नंबर की जगह हमें इंटरचेंज करना है। इसके लिए एक प्रोग्राम लिखा है C++ में। C++ भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हमें 3 मेमोरी लोकेशंस को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मेमोरी लोकेशंस को इनिशियलाइज करने के लिए हम C++ में int ABC करके लिखेंगे, यानी कि 3 मेमोरी लोकेशंस हमने इनिशियलाइज कर दी। पहले मेमोरी लोकेशन यानी A में हमने 20 रख दिया, दूसरे मेमोरी लोकेशन B में 10 रख दिया। इसके बाद इन दोनों नंबर्स को हमें स्वैप करना है, यानी कि ए मेमोरी लोकेशन पे जो नंबर है उसको बी मेमोरी लोकेशन पे करना है और बी मेमोरी लोकेशन पे जो नंबर है उसे ए पे करना है। तो ये कैसे संभव होगा, अब इसको आसानी से समझिए। जैसे मान लीजिए एक ग्लास में दूध रखा है, एक ग्लास में चाय रखा है और आपसे कहा जाए कि दूध वाले ग्लास में आपको चाय रखना है और चाय वाले ग्लास में दूध रखना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको एक तीसरा ग्लास लेना पड़ेगा। उस तीसरे ग्लास में आप क्या करेंगे, दूध को पहले उस तीसरे ग्लास में डाल देंगे, फिर दूध वाला ग्लास खाली हो जाएगा, फिर दूध वाले ग्लास में आप चाय को डाल देंगे, अब चाय वाला ग्लास खाली हो गया और फिर जो तीसरा ग्लास था जिसमें कि आपने दूध डाला है उसको फिर चाय वाले ग्लास में डाल देंगे। तो इस तरीके से स्वैपिंग हो जाएगी। ठीक, यही कॉन्सेप्ट हमें यहां पर लगाया गया है। सी एक हमने थर्ड वेरिएबल लिया है या थर्ड मेमोरी एलोकेट किया है जो कि खाली है, इसमें हमने ए की वैल्यू को रख दिया है। अब ए खाली हो गया, अब ए में हमने बी की वैल्यू को रख दिया, अब बी खाली हो गया और बी में हमने फिर जो सी में ए को रखा था उसको रख दिया। तो इस तरीके से ये नंबर स्वैप हो गया। तो अगर हम C++ में देखें तो इसमें हमें इतने सारे लाइन्स लिखने पड़े हैं, यानी कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन वही अगर हम सेम कोड को, सेम प्रोग्राम को अगर हम पाइथन में लिखते हैं तो सिर्फ 3 लाइंस ही हमें यूज करनी पड़ेंगी। यहां पे ए मेमोरी लोकेशन इनिशियलाइज किया, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, अब यहां पे ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, यानी कि ए की वैल्यू बी में चली जाए, बी की वैल्यू ए में चली जाए। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने पाइथन में इस प्रोग्राम को सिर्फ और सिर्फ 3 लाइंस में ही लिख दिया। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इजी टू यूज है, प्रोग्रामर फ्रेंडली है और इसमें बहुत कम लाइंस किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज करना पड़ता है।
नेक्स्ट एडवांटेज है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. इट कैन बी यूज विथ डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म सच एज मैक विंडोज एंड लिनक्स. अब क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म से मतलब यह है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. सपोज आपने पाइथन का यूज करके एक सॉफ्टवेयर बनाया और किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाया? आपने विंडोज पे बनाया, ठीक है. तो अगर आपने विंडोज पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके एक सॉफ्टवेयर बनाया तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये आपको ईज प्रोवाइड करता है कि उस सॉफ्टवेयर को आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चला सकते हैं, यानी कि एप्पल के कंप्यूटर्स पे भी चला सकते हैं. जो कंप्यूटर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है आप उस पे भी चला सकते हैं. अगर आपने मैक पे बनाया है पाइथन का यूज करके कोई सॉफ्टवेयर तो उसको विंडोज पे चला सकते हैं, उसको लिनक्स पे चला सकते हैं. सेम वे लिनक्स पे अगर आपने पाइथन का यूज करके कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसे विंडोज और मैक पे बना सकते हैं. यानी कि यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आपने विंडोज पे पाइथन का यूज करके कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो आप सिर्फ और सिर्फ विंडोज प्लेटफॉर्म पे ही उसे चला सकते हैं. ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लगाता है. जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है इट्स कंप्लीटनेस. इट कम्स विथ प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज एंड कैन बी रेडिली यूज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. इसमें एक प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी आती है. इस प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी में डिफरेंट फ्रीक्वेंटली यूज टास्क को परफॉर्म करने के लिए पहले से ही कोड्स लिख के स्टोर किया गया रहता है. और जब कभी भी आपको सॉफ्टवेयर बनाते समय इस तरीके के टास्क की जरूरत पड़ती है तो डायरेक्टली आप लाइब्रेरी से उसको यूज कर सकते हैं. उस लाइब्रेरी को प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी को हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी कहते हैं. और जब कभी हमें उन स्टोर्ड कोड्स से रिलेटेड जो भी टास्क है अपने सॉफ्टवेयर में परफॉर्म करना होता है या सॉफ्टवेयर में यूज करना होता है तो हम डायरेक्टली लाइब्रेरी से कॉल करके अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. तो नेक्स्ट एडवांटेज है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो ये है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्री एंड ओपन सोर्स है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है डाउनलोड के लिए. आप इसको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. प्लस इसका जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड मतलब जिन कोड्स का यूज करके इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया है वो सोर्स कोड भी ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं. या आप ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया जाता है. अगर आपने पहले से सीख लिया है, आप हाईली ट्रेंड हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने के लिए, तो आप इस सोर्स कोड में अपने हिसाब से कुछ ऑल्टरेशन कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं. यानी कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है डाउनलोड के लिए, आप इसके सोर्स कोड को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें ऑल्टरेशन कर सकते हैं. इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से कॉपीराइट जैसी कोई भी जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. आप अपने हिसाब से, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने में मास्टर हैं, आपको आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना, ट्रेंड हैं आप, तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके सोर्स कोड में चेंजेस कर सकते हैं. जो नेक्स्ट एडवांटेज है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो ये है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें डिफरेंट वेराइटीज के यूजर्स की ईज प्रोवाइड करता है. हम डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं. जैसे कि कैन बी यूज फॉर स्क्रिप्टिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड जीयूआई एप्लीकेशंस. स्क्रिप्टिंग का मतलब कि छोटे छोटे कोड्स बना के हम छोटे छोटे टास्क को परफॉर्म करते हैं, इसको हम स्क्रिप्टिंग कहते हैं. और रैपिड प्रोटोटाइपिंग मीन्स किसी भी चीज को फाइनली बनाने के लिए फाइनल टच देने से पहले हमें एक ढांचा बनाना पड़ता है, एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है. तो ये प्रोटोटाइप बनाने की ईज भी हमें ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करता है. प्लस जीयूआई एप्लीकेशंस के लिए भी हमें ये बहुत ही सुटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पड़ता है. क्योंकि अब यहां पे पहले जीयूआई का मतलब समझ लेते हैं. जीयूआई मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस.
यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर जितना ज्यादा ग्राफिकल होगा और एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, यानी कि यूजर के बीच में और सिस्टम के बीच में एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, वो उतना ही ज्यादा इजी होगा किसी को भी समझने में, किसी को भी यूज करने में। सपोज एक लेमैन है जिसको कि कंप्यूटर्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो जैसे आजकल विंडोज में होता है, विंडोज के डेस्कटॉप पे आप डिफरेंट आइकन्स बने होते हैं और उन आइकन्स को देख के ही काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किस काम के लिए होगा। तो एक ईज प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ईजी होता है। तो इस तरीके के इंटरफेसेस को डेवलप करने में भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पाइथन ओवर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडे, एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू कवर अप इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।